तो क्या हाल चाल है भाई लोगों। तो आ गया फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज टेस्ट करेंगे एपजेड के ऊपर। मगर क्यों? तो इसका आज माइलेज टेस्ट करेंगे। तो ये जुगाड़ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। ये अभी पाइप हटा रखा मैंने तेल का, जो टंकी का तेल का आता है, ये देखो ये है, और ये मैंने इसमें लगा दिया। तो अभी कार्बेटर में तेल है, अभी मैंने चालू करानी है। तो ये आया है 100 ml तेल, ये देख सकते हो 100 ml तेल है इस टाइम इसमें। बात तो सही है। तो भाई वीडियो पूरी देखना आप, तो मज़ा आएगा वीडियो में आपको। तो बनाते हैं फिर वीडियो, चलते हैं रोड की तरफ, फिर नापते हैं इसका एवरेज। तो ग्लव्स पहन लें भाई, ग्लव्स पहन के फिर आपको जीरो करके दिखाऊंगा वहीं पे। अभी तो फिलहाल तेल कार्बेटर का तेल ख़त्म कर लूँ। चलो फिर चलते हैं, कार्बेटर का तेल ख़त्म हो जाता है फिर जहाँ बंद होएगी कार्बेटर का वहीं से तेल चालू करूँगा अभी, क्योंकि मैंने तेल चालू करा नहीं अभी। एक तो चलाता बहुत दिन में होना है, इसमें कम से कम चलाइए इस टाइम मैंने 4 महीने में, देखते हैं कैसा लगा मेरा मजाक। 2009 मॉडल, कितने की एवरेज देती है उसके बाद आपको मैं एवरेज दिखाते हैं, देखते हैं कार्बेटर का तेल कहाँ तक चलता है। एक तो ठंड इतनी हो रही है ना, बस पूछो मत भाई। आज 15 दिन हो गए कोहरा पड़ते हुए, मतलब ऐसी मौसम, धूप नहीं निकली है बिल्कुल भी। और भाई ये ऐसी ठंड में एक साल में स्टार्ट 4 महीने के अंदर, आपने देख ही लिया, एक महीने मतलब एक साल में स्टार्ट। अरे अभी तक देखो तेल ख़त्म ही नहीं हुआ यार कार्बेटर का, लग रहा है मेरे सही देगी यार ये भी। तो भाई ये BS 3 है, ये BS 4 भी नहीं है, पुरानी वाली गाड़ी है, 1 किलोमीटर से तो ऊपर निकाल दिया इन्हें। देखते हैं अभी और कहाँ तक चलती है। कार्बेटर का तेल कर तो रहा है उचक उचक, हो गया लग रहा तेल ख़त्म। तो बिल्कुल ख़त्म करके जब ही आपको चालू करूँगा। ख़त्म नहीं हो रहा यार तेल, क्या बात, अरे ख़त्म हो जाए भैया, चली जा रही है, क्या बात है भाई। अरे ये तो सीटी नट के बराबर ही पहुँच गई यार, यहाँ पे भी यहीं पे सीटी नट मेरी चालू बंद हुई थी, ये भी वहीं पहुँच गई। हो जा भैया हो जा बंद, ये हो गई भैया बंद। ले भैया हो गया तेल ख़त्म कार्बेटर का इसका, देखो आता हूँ आपको। देखो नहीं हो रही ना स्टार्टअप, अभी मैंने तेल चालू नहीं करा इसका, और मैं पहले कर लूँ जीरो, पहले ग्लव्स उतार लूँ भाई। एक तो इसमें फोग आ गया, बाहर खड़ी खड़ी है ना, अभी से अंदर खड़ी करूँगा दो धागे। ये हो गया आपका जीरो, इस टाइम हो गया जीरो, देख सकते हो तो देख लो भाई, ठीक है जी, जीरो कर दिया मैंने अभी ये। अब इसका कार्बेटर का तेल करता हूँ मैं ऑन, हो गया भाई, क्या बात, हो गया। ये देखो 100 ml तेल है इसके अंदर, और देखते हैं क्या किलोमीटर चलती है। अब चलाते हैं भाई, देखते हैं क्या किलोमीटर एवरेज निकालेगी ये। अरे स्टार्ट भी नहीं हो रही यार ये, तो तेल अभी कार्बेटर में जाएगा जब भी तो स्टार्ट होएगी। पहले कार्बेटर में तेल पहुंच जाए भी स्टार्ट होगी। हो गई हो गई हो गई, लो भैया कार्बेटर में तेल पहुंच चुका है इस टाइम। अब चलते हैं, देखते हैं कब तक कितनी एवरेज देती है। तो इसकी एवरेज देखते हैं, पता चलता है कितनी निकलती है एवरेज आज। उस दिन तो मैंने निकाली थी सी टी 100 की, एक ने दी थी 58 की एवरेज, और एक मेरी वाली ने दी थी 60 की एवरेज। और भैया ये है 2004 मॉडल मेरी सी टी 100 है, सॉरी। तो ये है 2009 मॉडल, और देखते हैं कितनी एवरेज निकलती है इसमें आज। और BS 3 है ये बाइक, BS 4 भी नहीं है, आजकल तो BS 6 पहुँच गई। बताते हैं कि एवरेज एफजेड ज़्यादा नहीं देती है, तो देखते हैं भाई कितनी चलती है, इसको भी पता लगाते हैं आज। और भाई बहुत प्यार दे रहे हो यार, भाई को यार सब्सक्राइब जरूर करो भाई, 4000 पूरे कर दो यार इस महीने सब्सक्राइबर। और भाई जो कार्बेटर जो पिछली जो वीडियो बनाई थी हमने, क्या कहते हैं उसकी, सी 100 की एवरेज की, बहुत प्यार दिया था आपने उसमें, तो इसलिए भाई ऐसी प्यार देते रहना यार। 1000 वीडियो चल गई भाई, वो भी अपनी 60 की एवरेज चलाते हैं, देखते हैं 60 की एवरेज कितनी एवरेज देगी। और भाई साहब इतनी ठंडी हवा लग रही है ना, एक तो मेरा पजामा बड़ा ये छेद वाला है, इसके अंदर सीधी हवा गुजर रही है,
ओहो दांत बजने लगे, वाह ये दांत बजने लगे रे। कार्बोरेटर इसका तो तेल खत्म हो गया भाई। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, देखते हैं कितने की एवरेज देती है भाई। दे दे भाई एवरेज। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे तो लग रहा बहुत कमी देगी जिस हिसाब से इसका कार्बोरेटर का तेल खत्म हो गया। चलो अभी पता लग जाएगा कितनी एवरेज दे रही है। शायद मेरे ख्याल से 25 की एवरेज ही दे रही होगी भाई, क्योंकि इसका कार्बोरेटर में भी थोड़ी प्रॉब्लम है और काफ़ी मतलब 4 महीने में भैया गाड़ी स्टार्ट करी है तो कहाँ ना सर्विस ना कुछ। और 62 की स्पीड चल रही है। ओह ठंड तो भाई कुछ करके मानेगी भयंकर की। मुँह से भाप भी निकल रही है, फोक जम रही है दबा के शीशे में मेरे हेलमेट के, फोक जम गई। कार्बोरेटर का तेल देखो बिल्कुल ख़त्म हो गया इसका इस टाइम। देखते हैं भाई 2 किलोमीटर तो चल गई, मतलब 20 की एवरेज तो निकाल दी इसने और आगे पता चल जाएगा कितने की एवरेज दे रही है इस टाइम। ओह दांत बज रहे हैं। कहाँ यार, देख रहे हो कितनी मेहनत लगती है एवरेज निकालने के लिए। ठंड में मर रहा हूँ, ऊपर से आपके लिए एवरेज निकाल रहा हूँ। तो भाई जरूर लाइक जरूर करना भाई और कमेंट जरूर कर देना भाई। कमेंट से आपको हमारे को मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो हमारी कैसी बन रही है। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। कार्बोरेटर का तेल खत्म। आज पता चल जाएगा पूरा कितने की एवरेज देती है भाई ये गाड़ी। देखो मैंने मतलब इसलिए ठाया, मतलब इसमें पेट्रोल थोड़ा रह जाता है ना तो इसलिए ठाया मैंने नाली। ये देखो उठा रखी है, मतलब अब देखो इसमें तेल है नहीं। इसमें तेल है थोड़ा बहुत तो निकाल दी मैंने। अगर इसने एवरेज तो 30 तो 3 की तो वही चल गई, मतलब 30 की एवरेज तो दे दी। सही दे रही है भाई एवरेज तो यार, ये एवरेज तो वाह वाह बढ़िया दे रही है। हो जा भैया खत्म। अरे चली जा रही है भाई, लग रहा बाहुबली के गाँव तक पहुँचेगी भाई। एक यूट्यूबर है बाहुबली। सही दे रही है एवरेज, सही दे रही है। अरे देसी देती रहना। चल जा खैस्तान के चल जा। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो। पूरी बोतल ऊपर ठा रखी है मैंने, होगी बंद ना अभी ले रही झटके। अरे है भैया है। अरे वाह 40 की एवरेज देगी क्या, लगता है ऐसी रहा मुझे। 100 ml तेल में लग रहा 40 की एवरेज दे ही देगी। क्या बात है यार, मैं तो सोच रहा है ये भयंकर 25 की एवरेज देती है। झटके तो ले रही है भाई 8। अरे भाई 40 की देगी भाई, 40 की एवरेज दे रही है। हमें तो पता नहीं था यार ये 40 की भी एवरेज दे सकती है। हो गई, तेल खत्म, तेल भी खत्म, गाड़ी भी बंद। ये देख सकते हो 4 चल गई, मतलब 40 की एवरेज दे रही है। क्या बात है भाई, एफजेड देखो सर्विस कुछ नहीं कराई, जब भी 40 की एवरेज दे रही है। और अब इसका हटा के सिस्टम, अब इसको लगाते हैं तेल पे। देखो तेल बिल्कुल ख़त्म हो गया, नाली का भी तेल है ही नहीं इसमें बिल्कुल भी, कहीं से कहीं तक देख रहे हो तेल है ही नहीं। अरे छिल गया हाथ, लग गई भाई ठंड में सुबह सुबह यार। ये देखो छिल गया, तो भाई देखो ऐसे चोट लगती है। और कुछ लोग भाई कमेंट ऐसे मारते हैं, गाली देते हैं, फालतू वीडियो बनाता है, ये करता है। तो ये हो गया भाई अपना तेल चालू। और ये देखो तेल बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, एक बूंद तेल नहीं निकला, मतलब सब सूट गई। अब थोड़ा तेल आ जाता है फिर चलते हैं वापस। तो इसने दिए भैया 40 की एवरेज। अब तो देखा भाई इसने कितनी पुरानी गाड़ी है, मतलब 2009 मॉडल है, 9-10 मतलब 15 साल पुरानी गाड़ी ने 40 की एवरेज दी है। जो कि अब ये इसको सर्विस मैंने कराए हुए कम से कम 3 साल होने को जा रहे हैं, सर्विस नहीं कराई है भाई इसकी सबसे पहले। और 4 महीने में पहली बार स्टार्ट करी है गाड़ी, ठीक है जी। और ये गाड़ी मैंने, आप देख रहे हो एवरेज इसने कितनी निकाली है, मतलब मान सकते हो भाई साहब यामा की गाड़ी एवरेज देती है यार। हमें तो लग ही नहीं रहा था यामा की गाड़ी एवरेज भी देती है। 40 की एवरेज निकाली है। आपको मैं टायर दिखाऊंगा ना इसका, तो आप यकीन नहीं मानोगे इस टायर पे इसने इतनी की एवरेज दी है।
भिड़ू क्या करके मानेगा, सिलेंडर के साथ ही उड़ोगे क्या? और आपको भगा के दिखाता हूँ ये कितनी तेज भागती है। मौत को छू के टक से वापस आ सकती है। चढ़ने में पीछे नहीं, अरे भयंकर की, ये देखिए देखिए देखो, अरे 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 घुसेड़ेगा क्या भयंकर की, देख रहे हो भाई आगे भी देखना पड़ रहा है। सो चढ़ गई थी अभी, चढ़ जा भयंकर की 93। एक तो रोड भाई बड़ा ऐसा है ना, क्या कर सकते हैं। 101 104 106 107 108 109 109 111। भाई चढ़ेगी, समय देगी लेकिन चढ़ेगी। चलो भाई अपना भी आ गया मोड़, तो भगा नहीं सकते इसको। हाईवे पे आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। 125 चढ़ी है, देख लो इतनी पुरानी गाड़ी भाई साहब, गजब गजब रे गजब। तो आज तो भाई वीडियो शूट करने के लिए सिर्फ अकेला मैं ही हूँ, और कोई है ही नहीं। आज तो मंगलू भी नहीं है ना भैया, बिपिन है। आज अकेले ही भयंकर की फिल्म पेल हो रही है। अरे भाई भाई भाई, एक तो पिछला सोकर भी खराब हो गया इसका भाई, बहुत जंपिंग दे रही है। ये देखो देख रहे हो कितनी चल रही है, देख लो इतनी पुरानी गाड़ी है, होने के बाद भी मतलब इसका सस्पेंशन पूरा ख़त्म होने के बाद भी ये गाड़ी इतनी चढ़ रही है। अगर इसका सस्पेंशन पूरा सही हो जाए, सर्विस हो जाए इस गाड़ी की, ये तो भाई अब गोली बन जाएगी यार। क्या कहते हो भाई अब चढ़ वाले, क्यों भाई अब चढ़ वालो भाई, प्यार है फिर यामा की गाड़ी से। अब चढ़ जिसके पास है भाई, लाइक करना भाई ज़रूर। भगाने के चक्कर में पेशाब भी लग गया, पहले पेशाब कर लें आपको, फिर इसका टायर का भी दिखाता हूँ कितना तगड़ा टायर है। अगर टायर इसमें हल्का दल जाए तो एवरेज कितनी ज़बरदस्त दे, मेरे ख्याल से 5 की एवरेज और बढ़ सकती है। टायर देखो भाई, है टायर कितना तगड़ा, मतलब टायर दिखा दे रहा हूँ, नंबर इसका टायर का कहाँ गया नंबर, ये है टायर नंबर है 40 70 17 140 70 17। तो भाई पहले पेशाब कर लें यार, पेशाब लग रहा बड़ी जोर से। तो क्या कहते हो फिर, गाड़ी को नवा धोवा के अंदर खड़ी कर दें फिर, बहुत दिन से यार ये बाहर ही खड़ी थी। तो भाई आज 40 की एवरेज दी है, तो भैया इसको तो खड़ी करूँगा ज़रूर अंदर, आज धोवा के ना इसे। एक तो लाइट नहीं आ रही, लाइट आ जाए तो अंदर खड़ी कर दूँगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, और लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और भाई इंस्टाग्राम पर भाई को फॉलो कर लेना, विनय राइडर चंदेले के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है मेरी। तो जय हिंद जय भारत।